यस तो आज हम करेंगे अबाउट माइसेल्फ, ठीक है? यस मैम। अच्छा, ये टॉपिक आप शायद पहले भी आपने रीड किया है, माइसेल्फ। यस मैम, पहले किया था। हाँ, तो हम वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब है तो पुरानी वाली चीजें याद करेंगे, ठीक है? जी मैम। अबाउट का मतलब होता है, यानी जो सिर्फ ये वाला है, इसका मतलब होता है बारे में। अब किसके बारे में? माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे बारे में। तो ये पूरा हो गया मेरे बारे में, मतलब अपने बारे में बताना, ठीक है? यस मैम। मतलब रूबा बोलेगी कि मैं अपना माई सेल्फ सुनाती हूँ। माई सेल्फ सुनाती हूँ मतलब अरबा ये बताएगी कि, सॉरी, उर्वा ये बताएगी कि उर्वा है कौन, ठीक है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उर्वा, रीड करो। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक लड़का है जो अपने बारे में बताने जा रहा है, ठीक है? यस मैम। दूसरी लाइन क्या है? ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो दूसरी लाइन में क्या है? ए फाइव इयर्स एगो माय पेरेंट्स गोइंग टू हैव ए बेबी। वेरी गुड, आपकी रीडिंग पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो इसने क्या बोला है? सबसे बोला, हेलो दोस्तों, ए फ्यू ईयर अगो, कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स को एक बेबी हुआ, ठीक है? यस मैम। ओके, थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन, दे वेर वेरी हैप्पी, द बेबी इज मी। दे वर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश हैं और जो बेबी है वो मैं हूँ। द बेबी इज मी, जो बेबी हुआ है वो बेबी मैं हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, फोर्थ वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? माय नेम इज जोहन। जॉन। हाँ, इसका नाम जॉन है, ठीक है? तो हम इसको लड़का कह के नहीं बोलेंगे, इसको हम जॉन कैसे बोलेंगे? यस मैम। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? आई ए एम ए बॉय। आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, इस पे क्या लिखा हुआ है? आई ए एम 6 years old। मैं 6 साल का हूँ। यस मैम। इसमें क्या लिखा है? आई स्टडी इन ग्रेड 1। वाओ, वेरी गुड। तो मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। अब लास्ट वाला क्या लिखा है? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। वेरी गुड, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो देखो, यहाँ से ये तीन लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5 लाइनें लिखी है ना, इसमें इसने अपने बारे में बताया है, मैं जॉन हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं 6 साल का हूँ और मैं क्लास एक में पढ़ता हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है? यस मैम। ओके, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब यहाँ एक लड़की है, ठीक है? यस मैम। वे क्या बोल रही है? दिस इज माय फ्रेंड बेला। दिस इज माय फ्रेंड बेला। तो अभी क्या है, जॉनी हमें बता रहा है इस लड़की के बारे में। तो दिस इज माय फ्रेंड बेला, ये मेरी दोस्त है बेला, इसका नाम है बेला। एंड इस लाइन में क्या लिखा है? शी इज ए गर्ल। ये एक लड़की है। ओके, और यहाँ क्या लिखा है? She studies in grade 1-2। Very good।
इसमें बोला है ये भी स्टूडेंट है, शी स्टूडेंट शी स्टडी, मतलब ये भी स्टडी करती है क्लास वन में जहां मैं करता हूँ, ठीक है? यस मैम। अब यहाँ हमें बोला है थिंक अलाउड, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डू यू हैव फ्रेंड्स, क्या आपके फ्रेंड्स हैं? यस मैम। हाँ, व्हाट देयर मतलब व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या है? किसी एक बच्चे का नाम आपको बताना है, मतलब अपने फ्रेंड में से किसी एक बच्चे का नाम। मैम मेरी फ्रेंड आयशा है। ओके वेरी गुड। ओके तो अब आप यहाँ पे देखोगे, पहले आपको ये समझ आ गया कि ये जो माई सेल्फ है इसमें होता है हमें अपने बारे में बताना है, ठीक है? यस मैम। इंग्लिश में तो यहाँ पर अब है दो बच्चे हैं, यहाँ पर एक लड़की है, तो यहाँ लिखा है शी एंजॉय साइकिलिंग, मतलब ये साइकिल चलाना एंजॉय कर रही है। यहाँ लिखा है ये बेला है, ये जॉन है, तो आई प्ले विद बेला एवरी डे, मैं